हेलो एवरीवन, आज देखेंगे सेक्सुअल साइकिल इन फिशेस के बारे में। फिशेस की जब अपन स्टडी करते हैं तो उसके ओवरी जो होती है, फीमेल के केसेस में ओवरी होती है, मेल के केसेस में टेस्टिस होता है। तो उसमें ईयरली उसके लाइफ साइकिल के दौरान ईयरली उसके टेस्टिस एंड ओवरी में मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहता है, जिसे अपन सेक्सुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एमंग द 21,723 लिविंग स्पीसीज ऑफ फिशेस एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में 21,723 लिविंग स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है, ये अप्रॉक्सीमेट है। अ वाइड वेराइटी ऑफ पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्शन सचेस, मतलब बहुत सारी फिशेस जो होते हैं वो अलग अलग रिप्रोडक्शन को यहाँ पर शो करते हैं, या अलग अलग रिप्रोडक्शन के पैटर्न को शो करते हैं। जैसे कुछ जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअलिटी को शो करते हैं, कुछ जो होते हैं वो बाइसेक्सुअलिटी को शो करते हैं, कुछ हर्माफ्रोडाइटिज्म को शो करेंगे और कुछ पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। आगे देखते हैं, लाइक अदर वर्टिब्रेट्स द फिशेस यूजुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, मतलब अदर वर्टिब्रेट्स की तरह जो फिशेस होते हैं वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसके द्वारा वो क्या करेंगे, क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ देम स्पर्मेटोजोआ एंड एग्स आर फॉर्म्ड इन सेपरेट इंडिविजुअल्स एंड द गैमेट्स आर एक्सपेल्ड इन द सराउंडिंग वाटर वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस सून। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये फिशेस जो होते हैं, मेल के केसेस में स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा और फीमेल के केसेस में एग का फॉर्मेशन होता है। जनरली ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसके द्वारा स्पर्मेटोजोआ एंड एग्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट या फिर वाटर में ये डिस्चार्ज कर देते हैं, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिससे फर्दर डेवलपमेंट होता है और जनरली ऑफस्प्रिंग या लार्वा का फॉर्मेशन होता है। आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। पहला अपन देखेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में देखते हैं, लाइट होता है, टेम्परेचर होता है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जनरली इसके अंतर्गत आपका आ जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का जो टर्बिडिटी होता है वो जनरली इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इंट्रिंसिक फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है वो एक्सट्रिंसिक में आता है, और जो इंट्रिंसिक कहने का मतलब बॉडी के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं वो इसको कैसे अफेक्ट करते हैं, तो इसके अंतर्गत जनरली हार्मोन्स आते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिश, इनके डाइट जो होते हैं वो भी इनको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इसका नेचुरल फूड हो गया, फीडिंग पैटर्न हो गया, बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्टिमम गोनेडल ग्रोथ। फीडिंग पैटर्न कहने का मतलब कुछ फिशेज जो होते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, कुछ कार्निवोरस होते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। बैलेंस्ड डाइट कहने का मतलब बैलेंस्ड डाइट इसको लेना ज़रूरी होता है, जो कि इसके रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, या फिर गोनेड के जो ग्रोथ होता है उसको ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद अपन देखते हैं ओजेनेसिस। सेक्सुअल साइकिल को जानने से पहले अपन थोड़ा बहुत ओजेनेसिस के बारे में जान लेते हैं। ओजेनेसिस के थ्रू जनरली फीमेल में क्या होता है, ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होगा कि जो इसकी ओवरी होती है उसकी इपिथिलियल सेल्स में, जिसे अपन प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, ये आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होता है जो कि 2N या फिर डिप्लॉइड होता है, जिसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है आपका, डिप्लॉइड होता है। कहने का मतलब इसे अपन 2N या फिर डिप्लॉइड के नाम से अपन इसको जानेंगे। तो इसमें जनरली कंटिन्यू माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। यहाँ से यहाँ तक के फेज को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज बोलते हैं, जिसके थ्रू ये सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे अपन ऊगोनिया या ऊगोनियम के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये ऊगोनिया जो होता है वो ग्रोथ फेज में इंटर करता है और अपने साइज में इंक्रीज करता है, जिसे अपन प्राइमरी ऊ साइट के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो माइटोसिस डिवीज़न होता है, और उसके बाद में ये ग्रोथ फेज़ होता है, उसके बाद में थर्ड आपका आ जाता है मैचुरेशन फेज़। मैचुरेशन फेज़ में सबसे पहला आपका यहाँ पर डिवीज़न होता है मियोसिस। तो मियोसिस में सबसे मियोसिस फर्स्ट इसमें होता है, जिसके फलस्वरूप दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें एक सेल जो होता है वो बड़ा बनता है और दूसरा जो होता है वो छोटा बनता है,
बड़ा जो बनेगा उसे अपन बोलेंगे सेकेंडरी ओसाइट, और जो छोटा बनता है उसे अपन बोलते हैं पोलर बॉडी या प्राइमरी पोलर बॉडी या फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। पोलर बॉडी जो होगा वो फर्दर डिवाइड होकर दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, और जो आपका सेकेंडरी ओसाइट होगा वो डिवाइड होकर दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें आपका एक सेल जो होगा वो बड़ा बनेगा, दूसरा सेल जो होगा वो छोटा बनेगा। जो छोटा बनेगा उसे अपन बोलेंगे पोलर बॉडी, और जो बड़ा बनेगा उसे अपन बोलते हैं ऊटाइड, जिसमें फर्दर क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन या फिर बोल सकते हैं उसका मैचुरेशन होता है, और मैचुरेशन के फलस्वरूप ये ओवम का फॉर्मेशन करता है या मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करता है। आगे देखते हैं। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी यहाँ पर बताया हुआ है कि इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसा होता है, ओवरी जो होता है वो कैसा होता है। अनलाइक मैमल्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीलियोस्ट इज हाईली वेरिएबल विथ अ वाइड रेंज ऑफ रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स इंक्लूडिंग विविपैरिटी। मतलब जो आपका फिशेज जो होती हैं उसमें भी जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो थोड़ी बहुत वेरी करता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विविपैरिटी, मतलब इसके पैटर्न्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के पैटर्न्स में भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है, जैसे कि कुछ फिशेज जो होती हैं वो विविपैरिटी शो करते हैं, कुछ फिशेज जो होते हैं वो ओविपैरिटी शो करते हैं। विविपैरी कहने का मतलब ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे यानी कि लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं या बेबी को प्रोड्यूस करेंगे, और ओविपेरस कहने का मतलब ये एग को प्रोड्यूस करेंगे। द टीलियोस्टियन ओवरी इन जनरल इज़ अ होलो पेयर्ड ऑर्गन्स। क्या बोलता है कि जो आपका टीलियोस्टियन ओवरी होता है, जनरली फिशेस में जो ओवरी होंगे वो कैसे होंगे, एनिमल में जो ओवरी होते हैं या फिर टेस्टिस होते हैं वो पेयर्ड ऑर्गन्स ही होते हैं। देयर मे बी हंड्रेड्स और इवन मिलियंस ऑफ फर्टाइल एग्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ अ फिश एट एनी गिवन टाइम। इसमें प्रत्येक जो ओवरी होता है उसमें हंड्रेड्स और मिलियंस फर्टाइल एग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसे क्या करते हैं लेइंग करते हैं अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट में। आगे देखते हैं, ये ओवरी का टीएस कट करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसको अपने को ज़्यादा नहीं देखना है। देखो यहाँ पर जो आपका ओवरी है उसमें ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा वो इसका जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है, जिसमें कंटिन्यू माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है आपका उगोनिया बनेगा। यहाँ पर आपका उगोनियम लिखा हुआ है, उगोनियम के बाद में ये उगोनियम क्या करेगा ग्रोथ फेज में इंटर कर जाएगा, जिसके फलस्वरूप प्राइमरी ओसाइट प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में प्राइमरी ओसाइट जो होगा वो ग्रोथ करके फाइनली आपका ऊटाइट का फॉर्मेशन करेगा। जब ऊटाइट का डेवलपमेंट हो रहा होता है तब उसी समय बाकी के जो सेल्स होते हैं, अब सभी सेल्स तो ग्रोथ फेज में इंटर नहीं करते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो इसके चारों ओर यानी कि ऊसाइट के चारों ओर क्या कर जाते हैं उसको सराउंड कर लेते हैं, तो इस प्रकार से एक सेल्स का गुच्छा बन जाता है, मास बन जाता है, जिसे अपन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये फॉलिकल्स भी साइज में छोटा बड़ा होता है, तो सबसे छोटा जब बनता है प्राइमरी जो बनता है उसे अपन यंगेस्ट या यंगर फॉलिकल्स बोलते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे डेवलप होता जाता है उसको प्राइमरी सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद में ये जो आपका ओवरी है उसका जो डेवलपमेंट होता है उसको 7 स्टेज में डिवाइड किया गया है। देखते हैं ओवरी के डेवलपमेंट को। सबसे पहला फेज होता है इसका इमेच्योर। अच्छा, ये जो है आपका सेक्सुअल साइकिल को शो नहीं कर रहा है, केवल ओवरी के डेवलपमेंट को अभी शो कर रहा है। सबसे पहला फेज अपन देखते हैं इमेच्योर फेज। इमेच्योर फेज क्या होता है, इसमें ओवरी जो होता है वो थिन होता है, नेरो होता है, सिलिंड्रिकल, ऑक्यूपाइंग लेस देन 1/4 ऑफ बॉडी। 1/4 कहने का मतलब एक चौथाई भाग जिसे अपन बोलते हैं उसको ये क्या करता है, मतलब वहाँ तक ये फैला होता है, बॉडी के उतने भाग को तक ये फैला होता है। कैविटी जो होती है वो लेंथ होती है, मतलब लॉन्ग होती है, और पेल कलर का होता है ये, और जनरली ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, जिसे अपन पारभासी बोलते हैं। दूसरा फेज आपका आ जाएगा मैच्योरिंग विर्जिन। इस फेज में क्या होता है, ओवरी जो होती है वो थिन होती है, नेरो यानी कि संकरा होता है, सिलिंड्रिकल होगा, ऑक्यूपाइंग अबाउट 1/4 ऑफ बॉडी। इसमें लेस देन था, इसमें डायरेक्टली बोला गया है 1/4 ऑफ बॉडी।
पेल, ये पेल कलर का होगा, ट्रांसलूसेंट यानी कि पारभासी होगा, ओवा ट्रांसलूसेंट होगा। अच्छा, इसके अंतर्गत जो ओवा आएगा, इसके अंदर जो ओवा रहता है वो भी कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट, इसको बताया गया है। उसके बाद में इररेगुलर शेप का ये होता है एंड स्लाइटली येलो कलर का भी दिखाई देता है इस फेज में। तीसरा इसका फेज आ जाता है, ओवरी ऑक्यूपाइज अबाउट हाफ ऑफ द बॉडी। अब देखो यहाँ पर ओवरी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के हाफ पोर्शन को इसने क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। नेरो होता है, संकरा होता है, सिलिंड्रिकल एंड पेल येलो कलर का होगा। ब्लड कैपिलरीज इसमें आने लगते हैं, सॉरी ब्लड कैपिलरी नॉट डिस्टिंक्ट बोलता है, मतलब ब्लड कैपिलरी अभी डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं इसमें, अच्छे से नहीं होता है इसमें, अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। ओवा नॉट क्लियरली विजिबल टू द नेकेड आई, मतलब नेकेड आई से ओवा को हम इसके अंदर नहीं देख सकते। लार्ज ओवा ओपैक एंड स्मॉलर वंस ट्रांसलूसेंट। लार्जर ओवा जो रहता है वो क्या रहेगा आपका, ओपैक रहेगा, कहने का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अपारदर्शी, और स्मॉलर जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट होते हैं, पारभासी होते हैं। फोर्थ फेज आपका होता है मैच्योर फेज, इसमें क्या बोलता है, सिमिलर टू दैट इन स्टेज थर्ड, मतलब थर्ड स्टेज का समान ही होगा, बट विद न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज, इसमें ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो अब फॉर्म्ड होने लगते हैं। मेजोरिटी ऑफ ओवा ओपेक, मतलब मैक्सिमम जो ओवा होते हैं वो ओपेक होते हैं एंड विजिबल टू द नेकेड आई, अब हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं। फिफ्थ स्टेज इसका होता है आपका, क्या बोलता है, ओवरी ऑक्यूपाइज अबाउट 3/4 ऑफ द बॉडी, जनरली बॉडी कैविटी के या एब्डोमिनल कैविटी के 3/4 भाग को क्या करता है, कवर कर लेता है। वाइटिस विथ न्यूमरस ब्लड कैपिलरीज, ये वाइट कलर का हमको दिखाई देने लगेगा, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज इसमें बनने लगेंगे। ओवेरियन वॉल थिन, ओवरी की जो वॉल होगी वो थिन हो जाएगी। ओवा स्फेरिकल, स्फेरिकल कहने का मतलब राउंड हो जाएगा जो ओवा होगा वो। ओपेक होगा यानी कि अपारदर्शी होगा, विथ नेरो ट्रांसलूसेंट आउटर बॉर्डर। नेरो ट्रांसलूसेंट कहने का मतलब संकरा जो आपका पारभासी होगा, आउटर बॉर्डर के साथ में कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। उसके बाद में छठवां फेज देखते हैं इसमें, सिक्स्थ फेज, एक मिनट, ये यहाँ पर दिखाया हुआ है सिक्स्थ फेज, यहाँ पर सिक्स्थ फेज है रिपेनिंग फेज। ओवरी ऑक्यूपाइज फ्रॉम 3/4 टू इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी कैविटी, ओवरी जो रहेगा वो पूरे बॉडी कैविटी के 3/4 भाग को क्या करेगी, कवर करेगी। क्रीम कलर, ये क्रीम कलर का होगा। रिपेनिंग ओवा ट्रांसलूसेंट, पारभासी होगा, मतलब मैच्योर जो ओवा होगी वो कैसी होगी, ट्रांसलूसेंट होगी, पारभासी होगी एंड विद और विदाउट डिस्टिंक्ट ऑयल ग्लोब्यूल्स, इसमें ऑयल ग्लोब्यूल्स होंगे वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ऑलरेडी रिलीज्ड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ओवरी, अब देखो यहाँ पर फॉलिकल्स जो है वो रप्चर्ड होने लगता है और वहाँ से जो ओवा होते हैं या ओवम जो होते हैं वो ओवरी के ल्यूमेन में डिस्चार्ज होने लगते हैं, फ्री होने लगते हैं। टुगेदर विथ सेवरल मैच्योर एंड मैच्योरिंग ओवा, मतलब कुछ जो ओवा रहते हैं वो अभी मैच्योरिंग फेज में रहते हैं, वो भी यहाँ पर क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सेवन फेज इसमें होता है स्पॉन्ड फेज, इसमें क्या होता है आपका कम्प्लीटली स्पॉन्ड हो जाता है। स्पॉन्ड कहने का मतलब यहाँ पर ओवा जो रहता है, ओवा जो रहती है वो क्या करेगी, ओवरी से बाहर निकल जाएगी, ओव्यूलेशन होने लगेंगी। ओवा नेवर सीन, मतलब इस फेज में हमको अब ओवा जो है वो ओवरी के अंदर दिखाई नहीं देती है, इसलिए क्योंकि ओवा जो है वो पूरी तरह से कहाँ पे जा चुकी है, ओविडक्ट में जा चुकी है। ठीक, आगे देखते हैं अपन। अच्छा, उसके बाद में अपन देखते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, या इसी को अपन बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल। अ फ्यू फिशेस ब्रीड ओनली वन इन देयर लॉन्ग लाइफ स्पॉन, मतलब कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल में केवल कुछ ही बार या एक बार क्या करते हैं, या ईयरली वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है पैसिफिक सालमन, द फ्रेश वाटर ईल ब्रीड ओनली वंस इन 10 to 14 ईयर्स, मतलब
10 से 14 साल के बीच में वो क्या करते हैं, केवल एक ही बार ब्रीड करते हैं या रिप्रोडक्शन करते हैं। मोस्ट ऑफ द फिशेस ब्रीड इन वन सीज़न एवरी ईयर। कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो कि सीज़न में केवल एक ही बार सीज़न या फिर ईयर में वो क्या करते हैं, केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस प्रकार के फिशेस को अपन बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। कुछ फिशेस ऐसे होते हैं जो कि साल में या फिर सीजनली वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि साल में वो एक से ज़्यादा बार क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, जिसे अपन बोलेंगे ईयर राउंड स्पॉनर। ठीक, उसके बाद में सीजनल ब्रीडर्स एग्जिबिट रिदमिक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ ओवरी एंड टेस्टिस इन डिफरेंट सीजन। मतलब ईयर के दौरान जो आपके मेल होते हैं और फीमेल होते हैं उसके ओवरी एंड टेस्टिस में कंटिन्यू फिजियोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरल या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं, जिसे अपन सेक्सुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल के नाम से जानेंगे। दिस चेंजेस आर डीमार्केटेड इनटू 5 फेजेस। अब इस फेज को अपन 5 फेज में डिवाइड करते हैं। तो यही जो आपका फेज होता है वो आपका क्या कहलाएगा, सेक्सुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब देखते हैं सेक्सुअल साइकिल कितने फेज में कंप्लीट होता है। ये फीमेल का यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहला इसका होता है रेस्टिंग फेज, जो कि कब कब चलता है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। प्रिपेरेटरी फेज, जो कि कब कब चलेगा, फेब्रवरी टू अप्रैल, अप्रैल में। मैच्योरिंग फेज, मई टू जून तक चलेगा। स्पॉनिंग फेज, जुलाई टू सेप्टेम्बर। एंड पोस्ट स्पॉनिंग फेज जो होगा वो अक्टूबर टू नवम्बर के बीच में चलेगा। अब देखते हैं ओवेरियन साइकिल, ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओवरी को ये आपका वही आपका 5 फेज में इसको डिवाइड किया गया है, या 5 फेज में ये कंप्लीट होता है। पहला इसका होता है रेस्टिंग फेज, यहाँ पर लिखा हुआ है ओसाइट्स इन द स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड। अब यहाँ पे आपको वो कमेंट्स लिखने होंगे जो हमने ओवरी के जो डेवलपमेंट को जो पढ़ा था वो आपको यहाँ पर लिखना है। देखो यहाँ पर जो पहला वाला जो फेज है उसमें वो बोलता है कि किसको किसको फॉलो करेगा, स्टेज फर्स्ट एंड सेकेंड के। तो आपको ये फेज़ यहाँ पर लिखना है और ये फेज़ वहाँ पर लिखना है, दोनों फेज़ को वहाँ पर लिखना है। उसके बाद में जो दूसरा वाला जो फेज़ है वो थर्ड एंड फोर्थ को फॉलो करेगा। तो ये दोनों फेज़ को आपको, सॉरी, ये और ये फेज़ को आपको लिखना है। ठीक, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टिंग फेज़ में फर्स्ट एंड सेकेंड को यहाँ पर ये फॉलो करेगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को यहाँ पर लिखना है। प्रिपेरेटरी फेज़ में थर्ड एंड फोर्थ फेज़ को वहाँ पर से लिखना है। मैच्योरिंग फेज़ या प्री स्पॉनिंग फेज़ में आपको फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेज़ को लिखना है। स्पॉनिंग फेज़ में आपको सेवन्थ फेज़ को लिखना है। पोस्ट स्पॉनिंग फेज़ में आपको फर्स्ट एंड सेकेंड को दोबारा से लिखना है। इस आप दोबारा उसी को आप क्या करता है, रिपीट करता है। अब देखते हैं अपन ओवेरियन साइकिल ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अपन देखते हैं टेस्टिकुलर साइकिल। टेस्टिकुलर साइकिल देखते हैं और इसको भी 5 फेज में डिवाइड किया गया है, रेस्टिंग फेज, प्रिपेरेटरी फेज, मैच्योर फेज, स्पर्मिएशन फेज एंड पोस्ट स्पर्मिएशन फेज। राइट, देखते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर टेस्टिकुलर साइकिल को देखने से पहले पहले अपन स्पर्मेटोजेनेसिस को देख लेते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रीमोडियल जर्म सेल से, जनरली यहाँ आपको डायरेक्टली दिखा दिया गया है स्पर्मेटोगोनियम, तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स या प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या करेगा, कंटिन्यू माइटोसिस सेल डिविजन करेगा, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम आपको दो टाइप का दिख रहा होगा, है ना, स्पर्मेटोगोनियम ए एंड स्पर्मेटोगोनियम बी। तो यहाँ पर दो टाइप का स्पर्मेटोगोनियम बनता है, तो स्पर्मेटोगोनियम बी जो होता है वो आगे प्रोसीड करेगा, इस तरह प्रोसीड करेगा, और स्पर्मेटोगोनियम ए जो होता है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है आपका इस पेरेंट सेल में, या जो आपका प्रीमोडियल जर्म सेल होता है उसमें ये चेंज हो जाता है, और फिर से वो आगे इसी स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को दोहराता है। तो जो आपका टाइप बी जो होता है वो आगे प्रोसीड करके क्या करेगा, ग्रोथ फेज़ में इंटर करेगा और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन करेगा। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेल डिवीज़न होगा, सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद इसमें मियोसिस सेकेंड होगा जिसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। स्पर्मेटिड के बनने के बाद में इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है जिसके फलस्वरूप मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे ओवम से फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। आगे देखते हैं। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अपन देख लेते हैं कैसा होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल फिश कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होगा जनरली इसमें क्या होगा, टेस्टिस होगा। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो टेस्टिस होता है। विच और इलोंगेटेड, लंबा होगा, पेयर्ड होगा, अटैच्ड टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल के डॉर्सल पार्ट से अटैच्ड होता है। फ्रॉम द पोस्टेरियर मेसोडर्मल सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस द मेन स्पर्म डक्ट, जिसे अपन वास डिफरेंस बोलते हैं, एराइजेस एंड लीड टू द यूरिनोजेनाइटल पैपिला सिचुएटेड बिटवीन द रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या बोलता है कि जो आपका इसका पोस्टेरियर पार्ट जो होता है, पोस्टेरियर पार्ट कहने का मतलब ये वाला जो आपका पार्ट होता है, या आपका इंटीरियर पार्ट या आपका पोस्टेरियर पार्ट, यहाँ से अच्छा टेस्टिस की जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म्स के पार्ट से ही होती है। मेसोडर्म का जो मेसोमियर वाला पार्ट होता है उससे होता है, इसलिए ये बोल रहा है मेसोडर्मल सरफेस। ठीक है, तो इसके पोस्टेरियर पार्ट से डक्ट की ओरिजिन होती है। सबसे पहले कौन सा डक्ट आएगा यहाँ पर, वास इफरेंशिया होता है, फिर इपीडिडाइमिस होता है, फिर वास डिफरेंस होता है। वास डिफरेंस के बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका सेमिनल वेसिकल। फिर सेमिनल वेसिकल जो होता है वो जनरली आपका यूरिनोजेनाइटल साइनस में आकर ओपन हो जाता है। और ये यूरिनोजेनाइटल साइनस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच में। ये इसका सेक्शन कट करके दिखाया हुआ है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जहाँ पर क्या होता है आपका प्रीमोडियल जर्म सेल्स होता है। प्रीमोडियल जर्म सेल्स क्या करेगा, सबसे पहले माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा जिसके फलस्वरूप ओगोनियम बनेगा, स्पर्मेटोगोनियम बनेगा। स्पर्मेटोगोनियम के बाद में यहाँ पर आपका डिवीजन के फलस्वरूप स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये वाला जो आप सेल्स देख रहे हो वो आपका सर्टोली सेल्स होता है। ये सर्टोली सेल्स जो होता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन करता है। और इसके चारों ओर यहाँ पर आपका कुछ और भी सेल्स पाए जाते हैं, मतलब इसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लिडिक सेल्स बोलते हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। यहाँ पर ये डेवलपमेंट दिखाया हुआ है, डेवलपमेंट स्टेज यहाँ पर दिखाया हुआ है। देखो यहाँ पर पहला जो स्टेज होता है टेस्टिस का भी जो डेवलपमेंट होता है वो भी 7 स्टेज में कंप्लीट होता है। तो ये गोनेट को बोल रहा है, मतलब ये ओवरी एंड टेस्टिस दोनों का दिखाया हुआ है। ये फर्स्ट स्टेज में इतना छोटा होता है, फिर सेकेंड ए एंड बी दिखाया हुआ है जिसमें थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। अब देखो सिक्स्थ स्टेज में आने के बाद में सेवन्थ स्टेज में क्या होता है, स्पॉनिंग होता है। तो स्पॉनिंग के कारण ये क्या होता है, श्रिंक होता जाता है धीरे धीरे, है ना, ओवा या स्पर्म के बाहर निकल जाने के कारण ये श्रिंक होता जाता है, जिसके कारण से फिर से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जो ओवरी का जो डेवलपमेंट होता है वो भी सात स्टेज में कंप्लीट होता है, ये मैंने बताया था। कहाँ पर गया वो, ये इमेच्योर फेज, मैच्योरिंग वर्जिन फेज, मैच्योरिंग फेज, मैच्योर फेज, ग्रेविड फेज, रिपेनिंग फेज एंड स्पेन फेज, सेम रहेगा ओवरी की तरह भी। अब उसके बाद में टेस्टिकुलर साइकिल जो होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। 5 स्टेप कौन कौन सा, ये है आपका रेस्टिंग फेज, प्रिपरेटरी फेज, मैच्योर फेज, स्पर्मिएशन फेज एंड पोस्ट स्पर्मिएशन फेज। जो रेस्टिंग फेज होगा उसमें डेवलपमेंट का फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज फॉलो होगा। प्रिपरेटरी फेज जो होगा उसमें डेवलपमेंट का थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो होगा वो फॉलो होगा। मैच्योर फेज जो होगा उसमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेज जो होगा वो फॉलो होगा। और स्पर्मिएशन फेज जो होगा उसमें
सेवन्थ स्टेज जो होगा वो फॉलो होगा। सेवन्थ स्टेज में क्या होता है, स्पर्म जो होता है वो टेस्टिस से बाहर निकलता है, जिसे अपन स्पर्मिएशन बोलते हैं। ठीक, स्पर्मिएशन का मतलब ही होता है स्पर्म का टेस्टिस से बाहर निकलना। तो ये स्पर्मिएशन फेज हो जाएगा। उसके बाद में आपका पोस्ट स्पर्मिएशन फेज होगा, उसमें टेस्टिस जो होगा वो श्रंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर से आपका स्पर्म जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इसमें स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड को आपको लिखना है। उसके बाद में अपन देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। अब जो आपका साइकिल होता है उसके कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं? हार्मोन्स को सिक्रीट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं उसको अपन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन ग्लैंड जनरली होता है, जिसे अपन हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और गोनेड, ये तीनों जो होते हैं वो मिलकर क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, आपका हाइपोथैलेमस होगा, ये आपका पीनियल ग्लैंड दिखाया हुआ है, एक मिनट, ये गोनेड हो जाएगा। अच्छा, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे की ओर आपका होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक मिनट, तो यहाँ पर आपका जो हाइपोथैलेमस है उसके जस्ट नीचे की ओर होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड यहाँ पर सामने की ओर होगा, उसको उससे अपने को कोई मतलब नहीं है पीनियल ग्लैंड से। ये आपने लोकेशन देख लिया। उसके बाद में अपन चलते हैं हाइपोथैलेमस का यहाँ पर क्या रोल होता है। ये बताया हुआ है हाइपोथैलेमस को लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के बेस या फोर ब्रेन का जो फर्श या फ्लोर वाला जो पार्ट होता है उसे अपन हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। सेंसिटिव टू इन्वायरमेंटल सिग्नल डिटेक्टेड फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर। अब ये इन्वायरमेंटल जो सिग्नल होता है उसको सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा। उसके बाद में डिटेक्ट करने के बाद में ये रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच ट्रेवल्स टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ से सिक्रीट होकर पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाएगा। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट वो आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस का होता है। ठीक, और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ जस्ट आपका पिट्यूटरी बॉडी होता है। उसके बाद में अपन देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है आपका, यहाँ पर दिखाया हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड दैट एक्सटेंड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, है ना। यह एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हाइपोथैलेमस के नीचे में प्रेजेंट होता है, या हाइपोथैलेमस से क्या होता है, फैला होता है। फिर बोलते हैं रिसीव्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड रिलीज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या करेगा, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को रिसीव करेगा हाइपोथैलेमस से और उससे स्टिमुलेट होकर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को सिक्रीट करेगा, कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में। उसके बाद में आ जाता है आपका गोनेड। अब देखो ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस गैमिट ओवरी एंड टेस्टिस, मतलब फीमेल के केसेस में ओवरी एंड मेल के केसेस में टेस्टिस। अब ये क्या करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है उसको ये रिसीव करेंगे। और क्या करेंगे, रिसीव गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों क्या करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। सिक्रीट स्टीरॉयड हार्मोन टू प्रमोट मैचुरेशन ऑफ गैमिट, ओवरी जो होगा वो इस हार्मोन से, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से स्टिमुलेट होकर क्या सिक्रीट करेगा आपका। अच्छा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के अंतर्गत आपका दो हार्मोन्स आता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो टेस्टिस जो होता है वो किसका सिक्रेशन करेगा, एस्ट्रोजेन का सिक्रेशन करेगा, जबकि ओवरी जो होगी वो एंड्रोजेन हार्मोन का, जो टेस्टिस होगा वो आपका टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा और जो ओवरी होगी वो एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन अब ये क्या रोल प्ले करता है, यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसके अंतर्गत दो हार्मोन्स आता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या इसे अपन बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक हार्मोन फर्स्ट, या यहाँ पर सेकेंड दिखा दिया गया, ये फर्स्ट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को अपन गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट गोनाइड बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड, ये गोनाइड को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे बाय प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होता है आपका, एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। एंड्रोजन को अपन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इंड्यूस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अभी क्या करेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करेंगे। फिशेस में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, जनरली उसका मैटिंग बिहेवियर जो शो करता है उसको ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बोल रहा है। कंट्रोल मैचुरेशन एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ये स्टेरॉयड हार्मोन जो होगा वो इन दोनों प्रोसेस को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड जेनेटिक्स, ये कंट्रोल अगेन किसके द्वारा होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा भी होता है एंड जेनेटिक्स के द्वारा भी होता है। अब यहाँ पर तीनों को समराइज करके दिखाया हुआ है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओबी का सबसे पहले अपन देखते हैं। ये आपका देखो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई सबसे पहले आया, उसको सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया। अभी क्या करता है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन्स, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड में डिस्चार्ज कर देता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड इससे स्टिमुलेट होकर गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ये आपका FSH होता है और ये आपका LH होता है। FSH क्या करता है, इसको रिसीव करने वाला कौन होता है, गोनेड ही होता है या फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स अब क्या करेगा, एस्ट्रेडियोल यानी कि आपका एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करेगा और ये कहाँ पर जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर अब क्या करेगा, विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस करेगी। विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस का मतलब होता है यहाँ पर ये योग का फॉर्मेशन होता है और वो योग कहाँ पर चला जाता है, फिर से फॉलिकल या डेवलपिंग उस साइट में चला जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दूसरी ओर क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो डेवलपिंग फॉलिकल्स को प्रोसीड करने का काम करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल जीवी, सेंट्रल जीवी का मतलब होता है यहाँ पर जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल वेसिकल्स किसको बोलते हैं, जो ओसाइट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे जर्मिनल वेसिकल्स बोलते हैं और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसे जर्मिनल स्पॉट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है MIS, MIS का मतलब होता है मियोसिस फर्स्ट स्टेज। ये आपका क्या है, प्राइमरी ओसाइट होता है। प्राइमरी ओसाइट जब बनता है तो वो आपका मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की पैकेटिन स्टेज में आकर वो अरेस्ट हो जाता है, जिससे LH हार्मोन क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। ये माइग्रेटिंग लिखा गया है, माइग्रेटिंग का मतलब होता है आपका जर्मिनल वेसिकल्स जो होता है वो पेरिफेरल रीजन की ओर क्या करने लगता है, माइग्रेट करने लगता है। अब आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में जनरली अब ओव्यूलेशन की बारी आ जाती है। ये आपका जर्मिनल वेसिकल जो है वो पेरिफेरल रीजन में माइग्रेट कर गया, उसके बाद में बोलता है जीवी ब्रेकडाउन। जीवी ब्रेकडाउन कहने का मतलब है यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उसका मेम्ब्रेन जो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, उसके बाद में जो आपका ओसाइट है। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी ओसाइट था, वो प्रोसीड होकर इसमें चेंज हो गया सेकेंडरी ओसाइट में। अब सेकेंडरी ओसाइट का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, ओव्यूलेशन कर दिया जाता है। मतलब जो सेकेंडरी ओसाइट होता है वो ओवरी से या फॉलिकल से किस में आ जाता है, ओवी डक्ट में आ जाता है, ठीक। इसके बाद में अपन टेस्टिस का देखते हैं, टेस्टिस में कैसे रोल प्ले करता है हाइपोथैलेमस। देखो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई आया, उसको सेंसरी रिसेप्टर के द्वारा हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया। गोनाडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन किया, उसको रिसीव किसने किया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इससे स्टिमुलेट होकर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रीशन किया या फिर गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रीशन किया। LH जो होता है वो लिडिक सेल्स पर वर्क करेगा और लिडिक सेल जो होगा वो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगा और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है, प्रोसीड करता है या करवाता है। दूसरी ओर आपका FSH जो होता है वो वर्क करता है सर्टोली सेल पर और सर्टोली सेल्स को डेवलपिंग जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए स्टिमुलेट करता है या करवाता है।
उसके बाद में पूरा समराइज करके यहाँ पर दिखाया हुआ है स्टीराइड हार्मोन का क्या क्या रोल होता है, एस्ट्रेडियोल जो फीमेल में होता है या एंड्रोजन जो फीमेल में होता है उसका क्या फंक्शन होता है, स्टिमुलेट द लीवर टू प्रोड्यूस द योक प्रोटीन विटेलोजेनिन, जब विटेलोजेनेसिस की प्रोसेस होता है, जब योक बनता है तो उसमें विटेलोजेनिन नामक एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाई गोनाडोट्रॉपिन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के द्वारा, ये हमने देखा था। टेस्टोस्टेरोन जो मेल में होता है वो क्या करेगा, स्टिमुलेट द एक्टिवेशन ऑफ सर्टोली सेल्स टू इंड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करने के लिए उसको इंड्यूस करेगा। मैचुरेशन इंड्यूसिंग हार्मोन बोथ फीमेल एंड मेल दोनों में होगा, ये स्टिमुलेट फाइनल मैचुरेशन ऑफ ओसाइट एंड फीमेल एंड स्पर्मेटोसाइट इन मेल, मतलब ये जो हार्मोन होता है वो मेल में स्पर्मेटोसाइट के मैचुरेशन को प्रमोट करेगा और फीमेल में ओसाइट के मैचुरेशन को प्रमोट करने का फंक्शन करता है। ठीक, बस इतना ही है यहाँ पर, आगे अपन इसका फेकेंडिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।